नमस्कार दोस्तों दोस्तों जो लोग मेरे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि कुछ समय पहले मैंने एक सोलर पीकेपी नाम की स्ट्रैटेजी बनाई थी और उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने एक ईटीएफ शॉप की स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाया था। दोनों ही स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी हैं। सोलर पीकेपी तो मैंने जनवरी में स्टार्ट कर दी थी, उसके परफॉर्मेंस रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं और अगला परफॉर्मेंस रिव्यू भी जल्दी आने वाला है अप्रैल एंड तक का, और उसके अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं जो मैंने दो सोलर पीकेपी की है। और अब जो ये ईटीएफ शॉप का वीडियो मैंने बनाया उसके बाद मैंने देखा सोलर पीकेपी में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां हम इस ईटीएफ शॉप को इंटीग्रेट कर सकते हैं सोलर पीकेपी के प्रॉफिट्स में उन्हें बढ़ाने के लिए। तो क्यों आया ये आइडिया और कैसे ये इंटीग्रेशन काम करेगा, हमें करना क्या है एग्जैक्टली, क्या इसको करने से हमारी स्ट्रेटेजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, ये सारे आंसर आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि क्या है ये सारा इंटीग्रेशन का मामला और कैसे इससे हमारे प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं सोलर पीकेपी में। तो सबसे पहले जिन लोगों ने सोलर पीकेपी और ईटीएफ शॉप का वीडियो नहीं देखा है उन लोगों को इसमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाला है, तो पहले उन वीडियोस को देख लें, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके बाद आके ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा और इसका बेनिफिट समझ में आएगा। तो वो वीडियोज पहले जरूर कवर कर लें। तो अज्यूमिंग की वो सारे वीडियोज आपने देख लिए हैं, अब आगे की बात करते हैं। तो मनी एलोकेशन इन सोलर पीकेपी कैसे होता है। पीकेपी का जो पार्ट है, जो पीकेपी का ईटीएफ है, उसमें हम अप टू 40% जो भी हमारा ओवरऑल इन्वेस्टेबल कैपिटल है, हम 10 लाख लेके चलते हैं क्योंकि वो निफ्टी के एक लॉट के बराबर के प्लस जो हमें बफर चाहिए होता है वो सब मिला के 10 लाख होता है। तो उसका अप टू 40% यानी कि 4 लाख रुपीज हम पीकेपी पार्ट में रखते हैं। उसके बाद जो पीकेपी में स्मार्ट एवरेजिंग होती है, जब बाय इन डिप्स आते हैं उसके लिए 10% आप रिजर्व मान लीजिए क्योंकि हमें बाय इन डिप्स के लिए भी पैसा चाहिए, तो वो 10% यानी 1 लाख वहां रिजर्व हो गया। एल केमिस्ट के लिए हम 40% रखते हैं क्योंकि हमारे एल केमिस्ट के 4 ETFs होते हैं, वहां पे हर एक में हम 10-10% डाल के चलते हैं, तो चारों को मिला लीजिए तो 40% हो गया यानी कि 4 लाख रुपीज वहां रिजर्व रहते हैं हमारे। और जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो सोलर पीकेपी करे वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको लिक्विड बीज में 10% के करीब रखना होता है यानी कि 1 लाख लिक्विड बीज में हम डालते हैं ताकि उससे जो मार्जिन मनी आए उससे हम ऑप्शन में ट्रेड कर पाए। तो ये हो गया अभी तक जो सोलर पीकेपी में एलोकेशन था। अब जो ईटीएफ शॉप की इंटीग्रेशन के बाद एलोकेशन थोड़ा चेंज हो रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ वो कैसे है और उसके बाद क्या करना है। तो पीकेपी में वही रहेगा अप टू 40%, स्मार्ट एवरेजिंग पीकेपी सेम चीज 10%, यहां तक कुछ नहीं बदला। एल केमिस्ट प्लस ईटीएफ शॉप, तो पहले जो सिर्फ एल केमिस्ट में 40% एलोकेटेड था उसी का पार्ट उठा के हम ईटीएफ शॉप में चलाएंगे। तो इसका क्या रीजन है आगे की स्लाइड में आपको पता चलेगा, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि वो जो 40% था एल केमिस्ट और ईटीएफ शॉप में यूज होने वाला है और लिक्विड बीज का 10% वैसे का वैसा। तो बाकी चीजें नहीं चेंज हुई, सिर्फ जो एलकेमिस्ट वाला पार्ट था उसका एलोकेशन चेंज हो गया है। जो सोलर पीकेपी होता है निफ्टी में जो हम करते हैं उसके लिए हम 10 लाख ओवरऑल कैपिटल लेके चलते हैं। इसका पूरा डिटेल आपको सोलर पीकेपी के वीडियो में मिल जाएगा कि कैसे कैसे वो बाइफर्केट हो रखा है, कैसे कैसे वो डिप्लॉय होता है मार्केट में। तो उस 10 लाख में से 3 लाख हम ईटीएफ शॉप के लिए डेडिकेट करेंगे, और जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया एलकेमिस्ट प्लस ईटीएफ शॉप 40%, ये उसी का पार्ट है। ठीक है, तो शुरू में क्योंकि एलकेमिस्ट की स्टेज धीरे धीरे आती है, जब पीकेपी का हमारा नोशनल लॉस -4% पे जाता है तो पहला एल्केमिस्ट बाय करना होता है, जब और -3% पे जाता है तो सेकेंड एल्केमिस्ट ईटीएफ बाय करना होता है, जब और 3% जाता है तो थर्ड, और 3% पे फाइनल फोर्थ वाला ईटीएफ बाय करते हैं। तो होता क्या है, जो नीचे वाले ईटीएफ हैं उनकी जब मैंने बैक टेस्टिंग करी थी और सब कुछ देखा था, उनकी बारी साल में मैक्सिमम एक बार या हो सकता है 2 बार तक आ जाए, बट यूजुअली एक बार तक ही आती है जो ये साइकिल चलती है निफ्टी की। तो उसका पैसा यानी कि जो हमने रिजर्व करके रखा है वो उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं होगा। जो रिटर्न्स मैंने आपको बैक टेस्टिंग में सोलर पीकेपी के दिखाए थे वो ऑलरेडी निफ्टी को बीट कर रहे थे, लेकिन अब इसको करने के बाद हमारा और अल्फा जनरेट होने वाला है। ठीक है, तो बाकी के 2 पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको ईटीएफ की शॉप कैसे चलती है वो बता देता हूं, उसके बाद जब वो सारा कवर हो जाएगा ये 2 पॉइंट्स कवर करूंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमेशा की तरह मैंने आपके लिए ईटीएफ की बैक टेस्टिंग करी इस वाली स्ट्रेटेजी के लिए, और मैंने आपके लिए ईटीएफ की शीट्स बना दी हैं जो कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग में यूज कर सकते हैं, उसमें स्ट्रैटेजी की डिटेल्स वगैरह सब मैंने डाल दी हैं। ठीक है, तो ये वाली जो आप देख रहे हैं बैक टेस्टिंग की शीट है, उसके बाद मैं आपको एक शीट मैंने बनाई है, जो लोग ऑलरेडी सोलर पीकेपी कर रहे हैं उनका डेटा सोलर पीकेपी की शीट में डाला हुआ है, उन्हें ईटीएफ शॉप में स्टार्ट करना है, ये वाली ईटीएफ शॉप जो सोलर पीकेपी के लिए है उनके लिए मैंने एक शीट बनाई है अलग से। ठीक है, आप 2 शीट्स मेंटेन करेंगे, सोलर पीकेपी और ये वाली, ताकि आपको वहां का डेटा यहां ना डालना पड़े। लेकिन जो लोगों ने अभी रिसेंटली सोलर पीकेपी स्टार्ट किया है या अब स्टार्ट करने की सोच रहे हैं उनके लिए मैंने एक कंसोलिडेटेड शीट बना दी है, सोलर पीकेपी प्लस ईटीएफ शॉप। इसमें आप नीचे देखेंगे तो सोलर पीकेपी के सारे शीट्स हैं प्लस जो ईटीएफ शॉप के 3 और शीट्स हैं वो भी यहाँ डाल दी, ताकि आपको 2 जगह मेंटेन ना करनी पड़े। ठीक
ठीक है, तो यहां से आप जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, आप अगर चाहें तो अलग अलग शीट्स रख सकते हैं और चाहें तो एक ही शीट ये वाली यूज कर सकते हैं जो नया स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी शीट की फंक्शनिंग एग्जैक्टली सेम है जो मैं आज ईटीएफ शॉप की फंक्शनिंग आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बैक टेस्टिंग वाली शीट में चलते हैं। तो इसमें हम जो ईटीएफ शॉप, अगर आपने वीडियो देखा, उसमें 60 ETF मैंने रखे हैं जिसमें हम सारे सेक्टर्स ऑलमोस्ट कवर कर लेते हैं और उसमें हम अपनी एक दुकान खोल के सामान खरीदते हैं, सामान बेचते हैं और प्रॉफिट चर्न आउट करते रहते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेट करना होता है अपना पोर्टफोलियो निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वही सारे ईटीएफ पहले भी हमने यूज किए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो सोलर पीकेपी में थे, उसी में थोड़े और ईटीएफ ऐड करके यहाँ पे बन गई है 12 ETFs की लिस्ट। इसमें अगेन मैंने वही क्राइटेरिया चेक किया जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम हो 10,000 से मिनिमम वॉल्यूम हो डेली एवरेज, कभी थोड़े थोड़े दिन कम भी रहता है लेकिन डेली एवरेज 10,000 जिसमें वॉल्यूम है वो वाले ईटीएफ यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, और इसमें से मैंने निफ्टी बीज और बैंक बीज को डिलीट कर दिया क्योंकि अगर आप सोलर पीकेपी निफ्टी में कर रहे हैं तो निफ्टी बीज ऑलरेडी आपका पीकेपी में इन्वेस्टेड होगा तो यहाँ पे वो हम नहीं खरीदेंगे। सेम चीज अगर आप सोलर पीकेपी बैंक बीज में कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, तो बैंक बीज में इन्वेस्टेड होगा पीकेपी पार्ट। इसलिए मैंने कंफ्यूजन हटाने के लिए और सारा मामला सेट करने के लिए वो 2 ETF हटा रखे काफी। ये जो बाकी 12 ETF है वो काफी हमारी शॉप को मेंटेन करने के लिए और यहाँ से प्रॉफिट चर्न आउट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रैंक 3 तक यूज किया है क्योंकि इतने सारे ETF नहीं है कि रैंक 5 तक हम जाएं, तो 3 रैंक्स तक मैंने रखा है कि नया ETF अगर 3 रैंक तक आ रहा है तो हम खरीदेंगे। अगर एवरेजिंग में हमारा जो भी सबसे ज्यादा गिरा हुआ है वो हम खरीदते हैं -2.5% से ज्यादा, और जो भी 4% प्रॉफिट में आता है, तो नॉर्मल ETF शॉप में 6% प्रॉफिट होता है लेकिन यहाँ 4% रखा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ETFs हैं, और ताकि जो हमारा एलकेमिस्ट पहले एलकेमिस्ट का प्रॉफिट टारगेट है 4% वो वाला आ जाए और हमारा मनी जल्दी रोटेट होते रहे, यहाँ पे मैंने सेम 4% का टारगेट रखा है और इसी की बैक टेस्टिंग मैंने करी है जिसका रिजल्ट अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो वो सारा चीज जो ETF शॉप में था सेम स्टाइल में आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो खरीदा हुआ माल शीट जहाँ पे हम अपनी बाइंग को रिकॉर्ड करते हैं, तो मैंने जो बैक टेस्टिंग करी मैंने सेम डेट से स्टार्ट करी जब मैंने सोलर पीकेपी स्टार्ट किया था, ताकि मुझे ये आइडिया हो कि अगर उस वक्त मैंने जब सोलर पीकेपी स्टार्ट किया था ये भी साथ में स्टार्ट किया होता तो इसमें मेरा एडिशनल प्रॉफिट कितना बनता, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि मेरा अभी तक पूरा 10 लाख लगा ही नहीं है, मैक्सिमम 5 लाख तक मेरा इन्वेस्टमेंट गया है, तो बाकी 5 लाख अभी भी मेरा रिजर्व कैपिटल में पड़ा है, तो उसमें से अगर 3 लाख मैंने यहाँ यूज किए होते तो उसने मेरा कितना प्रॉफिट अभी तक जनरेट किया होता। तो खरीदा हुआ माल शीट ये वाली बैक टेस्टिंग की शीट है, यहाँ पे हमने टोटल इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल है 3 लाख ऊपर डाल दिया और इसे 30 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो यानी कि एक बार जब हम ETF खरीदेंगे तो 10,000 एक बार में इन्वेस्ट होंगे और टारगेट 4% यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो उसके हिसाब से 10 जनवरी के बाद जो भी बाइंग आई वो सारी यहाँ पे है, जो सेलिंग आ गई वो यहाँ से हट जाते क्योंकि जैसे हम कुछ सेल करते तो वो खरीदा हुआ माल से बिका हुआ माल में शिफ्ट कर जाता है। तो इसके सीधा रिजल्ट देख लेते हैं। अब स्ट्रैटेजी तो मैंने ऑलरेडी आपको ETF शॉप में समझा रखी है, दोबारा से वही चीज समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे नोट करने वाली क्या चीजें हैं कि हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट गया था 3,33,000। ठीक है, 3 लाख हमने रिजर्व करके रखा था लेकिन 3,33,000 क्योंकि काफी गिरा भी था निफ्टी, अगर आपको रिसेंटली याद हो तो निफ्टी लगातार एक टाइम आया था कि 8 रेड कैंडल्स बने थे विच इज वेरी रेयर, बहुत यू नो रिसेंट हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था, तो निफ्टी काफी गिर रहा था, तो उस वक्त हमारा कैपिटल डिप्लॉय होता जा रहा था स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो अप टू 3,33,000 इन्वेस्ट हो गया था और हमारा प्रॉफिट बना जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट अभी अप्रैल में बुक हुआ, तो जनवरी में बाइंग चल रही थी, फरवरी में बाइंग चल रही थी, मार्च में चल रही थी, अप्रैल के शुरू के पार्ट में चल रही थी, 17 अप्रैल को पहली प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर 18 को आई, फिर 24 अप्रैल को 4 ETF में आई और 27 अप्रैल को 2 और ETF में आई। ठीक है, तो इसके बाद हमारा प्रॉफिट 10,000 रुपीज का इसमें बुक हो गया और जो भी हमारा कैपिटल डिप्लॉयड था यहां तक वो फ्री अप हो गया और बाकी बचा हुआ कैपिटल अभी करेंटली इन्वेस्टेड होता 1,10,000, यानी कि जो 3 लाख में से बाकी का सारा बिक गया, 10,000 का प्रॉफिट आ गया और हमारी साइकिल कंटिन्यू हम कर सकते हैं बाइंग की। ये रहा है, और इसे परसेंटेज वाइज इसे रिटर्न वाइज चेक करें तो एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा निकल के आता है 2,56,000, तो ये प्रॉफिट अराउंड 3.9% है। और वक्त कितना बात कर रहे हैं, पीरियड क्या बात करें, जनवरी 10 से लेके अप्रैल 27 तक का ये बैक टेस्टिंग है, तो अराउंड ऑलमोस्ट 3 मंथ्स कह सकते हैं आप, तो 3 मंथ्स में इसने 4% एवरेज पे जनरेट किया और मैक्स जो इन्वेस्ट हुआ उस पे देखे तो आप 3% जनरेट किया है इसने, तो ये है इसके रिजल्ट्स। और इसको आपको किससे कंपेयर करना है, इसको आपको करना है सोलर पीकेपी में पहले जो यू नो रिजर्व में ये 3 लाख पड़े थे उसको हम यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे थे उसको इसने यूटिलाइज किया और 3 महीने में मुझे, आप 3% कह लीजिए या 4% जिस भी नजरिए से आप देखना चाहते हैं, मुझे 3% का प्रॉफिट दे दिया। इसमें ये बेनिफिट है कि एक तो हमारा निफ्टी का और ऐड होता रहता है जिससे कि पीकेपी में देखूं
और निफ्टी में जो भी मेरे यहाँ पे ऐड हो जाते हैं ईटीएफ उनकी वैल्यू में देखूं, निफ्टी 50 वाले, उनको मिला के अगर मुझे एक अच्छा कवर्ड कॉल राइट करने का मौका मिल रहा है तो वो मेरे को एक एडिशनल बेनिफिट और मिलता है जो मैंने बैक टेस्टिंग में यूज तो नहीं किया, लेकिन हाँ जहां जहां वो सिनेरियो आगे जाके बनेगा जो मैं रियल अपने सोलो पीकेपी में करूंगा और फिर परफॉर्मेंस रिव्यू आपसे शेयर करूंगा, तो वो आप वहां पे देख पाएंगे फॉरवर्ड टेस्टिंग में कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम यूज कर पाएंगे कि कॉल सेलिंग हम ज्यादा रोबस्टली कर सकते हैं क्योंकि हमारा कवर बढ़ने वाला है इस होल्डिंग के साथ। तो ये और एक एस्पेक्ट जुड़ने वाला है हमारे सोलो पीकेपी में। तो ये अब हमने बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स देख लिए 3 महीने के, अब वापस चलते हैं वो जो 2 पॉइंट्स रह गए थे स्लाइड में वो आपको समझाता हूँ। तो जो सेकंड पॉइंट में मैंने यहाँ पे बात कही है वो ये है कि जब पीकेपी मेरा 0% लेवल पे है, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, उसके बाद वो गिरता है अप टू 4%, वहां पे मुझे एलकेमिस्ट का पहला ईटीएफ खरीदना होता है। तो ये जो शॉप चल रही होगी वहां मेरा कुछ पैसा लगा होगा और एलकेमिस्ट में हो सकता है वही ईटीएफ मेरे स्ट्रेटेजी के द्वारा मैंने कुछ खरीद लिया हो, तो वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे समझाया। तो उस केस में क्या करना है वो यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड पॉइंट में। व्हेन आर पीकेपी गोज इनटू नोशनल लॉस ऑफ 4%, इट्स टाइम टू बाय द फर्स्ट एल्केमिस्ट व्हिच इज एसबीआई का निफ्टी 50 वाला ईटीएफ जो यहाँ पे मैंने नाम दिया है। एट दैट टाइम इफ वी हैव ऑलरेडी बॉट दिस ईटीएफ वर्थ ₹20,000, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि ईटीएफ शॉप में हमने ये वाला ईटीएफ 20,000 बाय कर लिया होता और फिर हमारा पीकेपी गिर जाता 4%, यानी कि उस वक्त एलकेमिस्ट की पहली स्टेज एक्टिवेट हो जाती सोलो पीकेपी में, और क्योंकि मैंने 20,000 ऑलरेडी बाय कर लिए एंड एज पर द सोलो पीकेपी स्ट्रेटेजी मुझे 1 लाख इन्वेस्ट करने होते हैं उसमें उस वक्त, तो बाकी का सिर्फ 80,000 मैं इन्वेस्ट करूंगा ताकि मेरा वो ओवरऑल उसमें होल्डिंग 1 लाख आ जाए और वहां से मैं उसे फिर 4% टारगेट के लिए चेक करूंगा, और जिस दिन 4% आएगा सारा 1 लाख मैं जो ये एसबीआई का ईटीएफ है उसमें बेच के प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो ये वाला चीज आपको ध्यान में रखना है ताकि दोनों चीजें टैंडम में चलते रहे, आप ओवर बाय कुछ ना कर लें और आपका पैसा जो एलोकेटेड है हमने नीचे वाले स्लॉट से उठाया है, जो लास्ट के 3 स्लॉट्स होते हैं, आपको स्ट्रेटजी वाली शीट दिखाऊं तो उसमें आपको थोड़ा समझ में और अच्छे से आएगा। ये जो सोलो पीकेपी की कंबाइंड शीट मैंने बनाई है इसमें नीचे स्ट्रेटजी में मैंने आपको ईटीएफ शॉप का भी दे दिया है और ब्लू कलर में वो चीजें हाईलाइट कर दी है जो सोलो पीकेपी के लिए एप्लीकेबल है। वैसे तो ईटीएफ शॉप के लिए जो एप्लीकेबल थी वो ऑलरेडी आपने ईटीएफ शॉप में देखी होंगी, यहाँ सोलर पीकेपी के पार्ट को मैंने ब्लू में हाईलाइट कर दिया ताकि आप क्विकली आप देख सके होंगे ये चीजें चेंज हो गई है यहाँ पे। ओके, तो इस स्ट्रेटजी शीट में ऊपर जाएंगे जहां मैंने सोलर पीकेपी के कैलकुलेशंस आपको दिए थे, यहाँ देखेंगे आप एलकेमिस्ट वाला पार्ट जो है वहां पे जब 4% गिरता है तो 1 लाख डालते हैं, तो यही वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि पहला ईटीएफ जो एलकेमिस्ट का है 1 लाख डालते हैं, तो सपोज 20,000 ऑलरेडी बाय कर लिए होते तो बाकी का 80,000 आपको इन्वेस्ट करना है, और अगर सेकेंड ईटीएफ भी आपने बाय कर लिया और सेकेंड ईटीएफ के लेवल तक चला गया एलकेमिस्ट ईटीएफ के, तो वो वाले ईटीएफ में आपको उस वक्त चेक करना है कितना बाय किया है, सपोज 30,000 तक बाय हो गया, बाकी का 70,000 बाय कर लीजिए और इसका जो 6% का टारगेट है उसको फॉलो कीजिए। तो इस तरह से आपको ये कॉम्बो करके चलना है ताकि आप ओवर बाय ना कर लें कुछ भी और आपका रिजर्व कैपिटल ठीक से यूटिलाइज होता रहे, क्योंकि बेसिकली आइडिया ये रिजर्व कैपिटल यूज करने का ये है कि ये जो लास्ट के जो 3 ETF हैं एलकेमिस्ट 2, 3, 4 जो मैंने अभी तक 3 महीने में देखा, निफ्टी गिरा भी लेकिन ये 3, 2, 3, 4 वाले ईटीएफ बाय ही नहीं हुए, उस स्टेज तक पहुंचा ही नहीं एलकेमिस्ट मेरा निफ्टी वाला, तो ये वाला रिजर्व कैपिटल इस ईटीएफ शॉप में अगर मैंने यूज किया होता तो अभी तक मेरे को 4% का और एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया होता जो भी मेरा मैक्सिमम इन्वेस्ट हुआ था इसमें। तो ये है सारी स्टोरी, इन शीट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे खुशी होगी आपको इसमें हेल्प करने में। बाकी आपके लिए मैं परफॉर्मेंस का रिव्यू जल्दी से बनाने वाला हूँ, मेरा सोलो पीकेपी निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा परफॉर्मेंस आया अप टू अप्रैल, और उसके बाद फिर नया कोई सोलो पीकेपी का एनहेंसमेंट आता है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।